हाय दोस्तों, तो इस हफ्ते रिलीज हुई दो मूवी यानी शुभ मंगल ज्यादा सावधान और भूत द हॉन्टेड शिप पार्ट वन। दोनों ही फिल्मों का रिव्यू करेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे व्यूवर्स लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूं कि इस हफ्ते ये दोनों ही फिल्म में से कौन सी फिल्म आपको देखनी जानी चाहिए। एक फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर है, तो दूसरी हॉरर जॉनर वाली फिल्म है। और मजे की बात यह है कि बॉलीवुड के पास अब कहानी कुछ भी नहीं है, तो वो लोग छोटे शहरों की कहानी या तो फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंडियन ऑडियंस है वो सब चीजों को पसंद नहीं करती। मैं यहां पर बात कर रहा हूं होमोसेक्सुअलिटी की। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट वो है हॉरर जॉनर का। अब एक ऐसी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन जो कभी हॉरर फिल्में नहीं बनाई, लेकिन अब वो इस जॉनर या इस चीजों में घुस रही है, क्योंकि अब उनको पता है कि इन लोगों के पास कुछ कहानी बची नहीं है। अब देखते हैं दोनों फिल्में इस हफ्ते लोगों को पसंद आती है या नहीं आती, वो तो बात की बात है। फिलहाल मेरा रिव्यूज मेरा ओपिनियन आपको बताया था। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे शुभ मंगल ज्यादा सावधान की। देखिए ये फिल्मों का जैसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि गे कॉन्सेप्ट यानी कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर कॉन्सेप्ट है, तो जो हमारा इंडियन समाज है या जो भी अगर आप लॉजिक वे में देखा जाए तो इस चीज का कुछ भी आगे चल के फायदा होने वाला है नहीं। गे हो या लेस्बियन हो, इनसे हमारी दुनिया आगे तो नहीं बढ़ेगी, ना ही कुछ चेंजेस आएंगे। बस इतना आएगा कि लोग का जो दिमाग है वो खराब हो जाएगा और ये सब चीजों को लोग एक्सेप्ट क्यों करेंगे। अगर ये सब चीजें सही होती तो जो भगवान है जो गॉड है वो ये सब चीजों को ही लाते ना। लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट क्यों लाते, या जानवरों का एग्जाम्पल ले लो तो कुत्ता कुत्ती का कॉन्सेप्ट क्यों आता। तो ये सब चीजें जो है इसको मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ फिल्म के हिसाब से बात करें तो फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे पर्सनली अच्छा लगा, डिसेंट है, कॉमेडी पंचेस है, कॉमेडी सीन्स है, सिचुएशनल कॉमेडी जिस पर आपको हंसी आती है। सेकेंड पार्ट में यानी कि इंटरवल के बाद फिल्म एक गुड़ गोबर हो जाती है, एकदम फ्लैट हो जाती है और ये समझ में नहीं आता कि आखिर मेकर्स बताना क्या चाह रहे और इसके एंड में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आयुष्मान खुराना के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म मुझे डिसअपॉइंट की, क्योंकि मुझे उनकी ड्रीम गर्ल बहुत अच्छी लगी थी, बाला मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी। तो ये मूवी आयुष्मान खुराना के एक्टिंग करियर को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हाँ ये है कि उनके फैंस को काफी डिसअपॉइंट करेगी, जैसे कि मैं हुआ। हालांकि उनको इस कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आज भी हमारा इंडिया या हमारे लोग इतने मॉडर्न नहीं हुए कि ये सब चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। और ये सब चीजों को एक्सेप्ट करना भी क्यों चाहिए, जबकि ये सब चीजों का कुछ लॉजिक या कुछ फायदा ही नहीं तो क्यों एक्सेप्ट करें। और फायदा नुकसान छोड़े, लेकिन ये सब चीजें गलत है तो ये सब चीजों का कोई लेना देना नहीं। हाँ बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर फिल्म के नजरिए से देखा है तो मुझे अच्छी नहीं लगी, आपको जाना तो आप जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भूत द हॉन्टेड शिप का, जो कि धर्मा प्रोडक्शन वालों ने बनाई है और इसमें हमें विक्की कौशल नजर आते हैं। विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना और जीतू जी और गजराज जी, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन एक्टर्स है, वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट ऑफ बॉलीवुड की बात करूंगा, जो कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। और इस बार बॉक्स ऑफिस में फिल्मों का नहीं बल्कि एक्टर्स का मुकाबला है और लोग सिर्फ इनकी एक्टिंग देखने के लिए फिल्म में जाते हैं। और वाकई में इन लोगों ने दोनों ही फिल्म में एक्टिंग बहुत ही शानदार की है। द हॉन्टेड शिप की बात करते इसमें विक्की कौशल हमें पृथ्वी एक ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं, जिनकी लाइफ में पर्सनली कुछ बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिसके से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, लेकिन अब उनको एक ऐसा केस इन्वेस्टिगेट करना है कि एक शिप का जो कि बीच पर आ गई है कहीं से बहते हुए, तब उसको उनको वो शिप का केस भी इन्वेस्टिगेट करना है, साथ साथ उनका पर्सनल जो डिप्रेशन है उसको भी सॉल्व करना है। तो इस कहानी में हमें आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो देखिए इस फिल्म की बात करते हैं, इस फिल्म का फर्स्ट हाफ एज यूजुअल उस फिल्म की तरह बहुत अच्छा है, काफी बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, काफी सेट डिजाइनिंग वो जो शिप का जितना भी डिजाइन किया बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, स्कैरी सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी गुड़ गोबर हो जाती है सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में ऐसा लगता है कि वो जो लय से चल रहे थे वो लय से पूरे भटक जाते हैं और इसके भी जो एंड क्लाइमेक्स था वो क्लाइमेक्स देख के कुछ खासा इंप्रेशन फील नहीं होता है, मतलब ऐसी चीजें नहीं लगती जो हमने पहले कभी नहीं देखी हो। पर्सनली मैं अपनी बात बोलूं तो मैंने वो सब चीजें देखा हॉलीवुड फिल्मों में या ऐसी ऐसी भूत की फिल्म देखा जो मुझे कहीं ना कहीं भूत द हॉन्टेड शिप से कहीं ज्यादा बेटर लगी थी, तो ये भी मुझे निराशी की डिसअपॉइंट हुआ मैं पर्सनली, क्योंकि मेरा ज्यादा एक्सपेक्टेशन था इस फिल्म को लेकर, क्योंकि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। हालांकि हॉलीवुड में इस तरह की कॉन्सेप्ट में फिल्में बन चुकी है, लेकिन एज इंडियंस ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। प्लस विक्की कौशल हो या आयुष्मान खुराना हो या जीतू जी हो या गजराज जी हो, इन लोग की एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, नॉर्मल स्क्रिप्ट को भी ये लोग बहुत ही अच्छा बना देते, तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन इसने भी मुझे डिसअपॉइंट किया। तो मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि दोनों ही फिल्में ओके है, बिलो एवरेज है, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, जरूरी नहीं कि आप जाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ऑलरेडी दोनों फिल्म देखी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं हूँ राशि शेख, आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में, तो हम लोग मिलेंगे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना।